सो हे गाइस, अगर आप लोग भी एक सस्ता सा अच्छा सा हेडफोन ढूंढ रहे जो कि आरजीबी लाइट के साथ हो, जो कि 500 के अंदर मिल जाए, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक ऐसा ही हेडफोन लेके आया हूं जिसको मैं 4-5 महीने से खुद यूज कर रहा था। और आज मैंने सोचा इसका वीडियो देता हूं और इसके बारे में सब कुछ बताता हूं, इसका रिव्यू करता हूं कि ये हेडफोन कैसा है, आपको बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, इसका माइक क्वालिटी कैसी, इसकी आरजीबी लाइट कैसी, इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिले। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तभी आप लोग वीडियो को लाइक करना और चैनल को तभी आप लोग सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखते रहिए। अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें, इसके जो ऊपर का हिस्सा है ये मेटेलिक आपको देखने को मिलता है, बट यहाँ पर इसके नीचे जो कुशनिंग दी गई ये आपके हैंड के हिसाब से एडजस्ट कर लेती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखते हैं गाइस, जैसे आपका हेड होगा छोटा बड़ा उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। और यहाँ पर इसकी कुशनिंग की बात करें, ये देखते हैं गाइस, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुशनिंग की बात करें तो ये भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है, बट यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं बोली जा सकती। फिर भी अगर आप लोग 500 के हिसाब से देखते हैं ना गाइस, ये जब लॉन्च हुआ 999 का लॉन्च हुआ था, बट अभी के टाइम पे ये बहुत सस्ता था। और गाइस, इसकी कुशनिंग 500 रुपए के हिसाब से बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप लोग इसको लंबे समय तक यूज करते हैं तो आपके कान में पेन होने लगता है। यहाँ पर जैसे आप लोग यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर पेन होने लगता है, बट यहाँ पर इसकी कुशनिंग की बात कर रही है तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये नॉइज को भी कैंसिल कर देता है। जैसे आप लोग यहाँ पर लगाते हैं तो ये नॉइज को कैंसिल कर देता है, ये आप जो बाहरी है इतना ज्यादा नहीं करता है रुपए के हिसाब से, फिर भी बाहर की जो आवाजें हैं वो आपके कान के अंदर नहीं जाती हैं। और चलिए मैं आपको दूसरा चीज बताता हूँ, ये देखते हैं गाइस, यहाँ पर एक माइक दिया गया है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, इसको आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये नहीं कि आप लोग इसको यहाँ पर निकाल लें, किसी पर से इसको निकाल नहीं सकते, निकाल के रख दे जब यूज करना हो तब यूज करें, बट यहाँ पर ये इसमें इनबिल्ड आया है, इसको आप लोग जैसे भी आप यूज करना चाहते हैं अपने हिसाब से इसको सेट करके यहाँ पर बोल सकते हैं। और गाइस, अब बात कर ही रहे हैं तो इसके केबल क्वालिटी की बात कर लेते हैं। गाइस, यहाँ पर आपको कोई भी ब्रेडेड केबल देखने को नहीं मिलती, बट यहाँ पर मैंने जितना यूज किया है उसके हिसाब से केबल क्वालिटी जो है बहुत ही मस्त देखने को मिलती है। इसमें आप लोग 3 पिन देखने को मिलते हैं। और इसके साथ यहां पर इससे क्या होता है, इससे जो ये हेडफोन है इसकी आरजीबी लाइट जलती है, और यहां पर एक माइक के लिए है और एक जो है वो आपके हेडफोन के लिए है, यानी कि स्पीकर के लिए है। तो इसको आप लोग यूज कैसे करना है, आप लोग मोबाइल में यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। अगर आप लोग मोबाइल में यूज करेंगे तो आपके में अगर 3.5 mm वाला जैक होगा तो यहां पर स्पीकर वाला जो है उसको आप लोग यहाँ पर ये लगा करके आप लोग आवाज सुन सकते हैं, बट यहाँ पर इसकी वॉइस उस तरफ नहीं जाएगी। उसको अगर सुनना हो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर फोन में तो आपको एक स्प्लिटर मंगाना पड़ता है या फिर डुअल चैनल बोल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर स्क्रीन पर शो करवा देता हूँ, इस तरीके से आपको मंगा करके आप लोग इन दोनों को यूज कर सकते हैं। और गाइस, इसकी आरजीबी यूज करने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, इसकी आरजीबी यूज करके दिखाता हूँ। चलिए, जैसे आप लोग ये पिन लैपटॉप या फिर पावर बैंक में इंसर्ट करेंगे तो ये जो आरजीबी लाइट है ये जलने लगती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखते हैं गाइस, इस तरीके से कुछ ये आरजीबी लाइट जल रही है। और हाँ, इसकी जो आरजीबी लाइट है इसको आप लोग एडजस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर ये इनबिल्ड जो है आपको देखने को मिलती है लाइट, उसी प्रकार से ये जलती रहती है, इसको आप लोग अपने हिसाब से चेंज वगैरह नहीं कर सकते। ये देखते हैं, अपने मन से चेंज होते रहते हैं इसके कलर, बट आप लोग अपने हिसाब से इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। सो सैड, लाइट चली गई यार। और गाइस, इस हेडफोन में आपको एक वॉल्यूम कंट्रोलर भी मिलता है जो कि आप लोग यहां पर देखते हैं, इससे आप लोग इसका वॉल्यूम घटा बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ यहां पर इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो यहां पर इसको मैं यहां पर ये देखते हैं, मेरे पास एक ईयरफोन है इससे कंपेयर करता हूँ तो ये इसके बराबर भाई आवाज इसके आधी नहीं दे पाती भाई, इसकी जो साउंड क्वालिटी इतनी बेटर नहीं। इसको मैं 329 रुपए में बाई किया था और इसको 499 में, बट गाइस ये जो हेडफोन है इसको अगर आपको स्वाप करना है या फिर हल्की फुल्की गेमिंग करना है या फिर आप लोग ऐसे ही लेना चाहते हैं, सेटअप रखना चाहते हैं, हल्का फुल्का गाना सुनते हैं और बेस आपको नहीं चाहिए तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। बट अगर आप लोग इससे बेस चाहते हैं कि इसका बेस मस्त हो या फिर आप लोग काफ़ी बढ़िया से क्वालिटी चाहते हैं हेडफोन की, तो ये वाला आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग हल्का फुल्का गाना वगैरह सुनते हैं या फिर हल्की फुल्की गेमिंग करते हैं या फिर थोड़ा बहुत एडिटिंग करते हैं, आपको ज़्यादा आवाज़ से मतलब नहीं है तो आप लोग बेस से भी मतलब नहीं है तो इसको आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। बट गाइस, मैं सुनता हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि कौन सा बेटर है, तो अगर आप लोग मेरी मानो तो यहां पर इसकी क्वालिटी इतनी बेटर नहीं है, फिर भी इसकी 500 रुपए के हिसाब से तो ठीक है ही। सो गाइस, अब बात करता हूं इसको आप लोग परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हेडफोन आपके काम आ सकता है तो आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं, अन्यथा इसको रहने देना है। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।